नमस्कार, मैं खुर्शीद खान राजू और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है देश प्रदेश की कुछ खास खबरों का। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप कार्यालय पर कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, विधायक, सांसदों और मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि दो दिन बाद दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करते हुए मैं इस्तीफा दे दूंगा। सुल्तानपुर सांसद रामभुआल निषाद की सोशल मीडिया पर जमकर जनता आलोचना कर रही है। आपको बता दें कि रामभुआल निषाद सांसद बनने के बाद क्षेत्र में बहुत कम ही दिखाई पड़ते हैं, जिससे जनता में उनके खिलाफ आक्रोश है। सुल्तानपुर, अमेठी सहित उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 17 सितंबर को मांस की दुकान और पशु वधशाला पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। सुल्तानपुर में 12 रवि अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 16 सितंबर को शानदार तरीके से शहर में जश्न आमद मुस्तफा मनाया जाएगा। सुल्तानपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 44,808 मुकदमों का निस्तारण किया गया, जिसमें 9,65,26,371 रुपए का समझौता भी कराया गया। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया विंग ने पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि 15 और 16 तारीख को सुल्तानपुर सांसद रामभुआल निषाद जिले में मौजूद रहेंगे। सुल्तानपुर में भरत जी सर्राफ लूटकांड में पुलिस और एसटीएफ द्वारा किए गए इनकाउंटर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने पूरी तरीके से फर्जी बताते हुए यूपी डीजीपी को पत्र लिखकर पीड़ित परिजनों को पोस्टमार्टम और पंचनामा रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने और जौनपुर में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। सुल्तानपुर में 21 राज्यों की पैदल यात्रा कर अपने घर लौटे आशुतोष का पूरे भार में भव्य स्वागत। मौनी महाराज, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, अखिलेश प्रताप सिंह, डिंपल, मनीष प्रताप सिंह, राम कलब सहित हजारों लोगों ने किया। सुल्तानपुर में एसडीएम सदर विपिन द्विवेदी और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बसपा नेता डॉक्टर शैलेंद्र त्रिपाठी डेंगू पॉजिटिव हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने शहर में दवा छिड़काव के लिए निर्देश जारी किए हैं। अमेठी में जगदीशपुर ब्लॉक की गौहर का पुरवा में पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। अमेठी में जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें 244 रोगियों को मुफ्त दवाई और जांच की सुविधा प्रदान की गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप तिवारी ने बताया कि मेले में 72 पुरुष रोगी, 91 महिला और 61 बच्चों को मेले का लाभ दिया गया। रामपुर में शौकत अली रोड पर मौजूद कांग्रेस कैंप कार्यालय पर महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष शमनाज बी ने महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस धूमधाम से महिला कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। रामपुर राजा लाइब्रेरी के कार्यक्रम में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने शिरकत की, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए वक्फ बोर्ड के सवाल पर कहा कि वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करने की जरूरत है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े तो पेज को लाइक करके फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।